झारखंड के बिजली उपभोक्ताओं को जल्द ही टैरिफ का झटका लगेगा। झारखंड राज्य बिजली वितरण निगम JBVNL ने बिजली दरों में 20% वृद्धि करने का प्रस्ताव राज्य विद्युत नियामक आयोग को सौंपा है। इस पर आयोग ने सोमवार को पलामू प्रमंडल से जनसुनवाई शुरू कर दी है। मेदिनीनगर के दीनदयाल नगर भवन में पलामू प्रमंडल की जनसुनवाई हुई। इसमें पलामू, गढ़वा और लातेहार के उपभोक्ता और जनप्रतिनिधि शामिल थे। इस दौरान ग्रामीण घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 75 पैसे प्रति यूनिट और शहर और HT घरेलू में 50 पैसे प्रति यूनिट की दर से बिजली बिल बढ़ाने के प्रस्ताव की जानकारी दी गई। वहीं प्रति माह फिक्सर चार्ज टैरिफ में भी 25 से 30 रुपए की बढ़ोतरी का प्रस्ताव है। JBVNL का टैरिफ पिटीशन वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए फाइल की गई है, जिसके आधार पर बिजली वितरण दर का निर्धारण होना है। जन सुनवाई पूरी होने के बाद बिजली की दरों में बढ़ोतरी के प्रस्ताव पर अमल होगा। मेदिनीनगर में जन सुनवाई के दौरान सभी की बातों को सुनने के बाद राज्य विद्युत नियामक आयोग के चेयरमैन जस्टिस अमिताभ कुमार गुप्ता ने कहा कि JBVNL ने बिजली की दरों में बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया है। जन सुनवाई के दौरान जिन समस्याओं की जानकारी दी गई, उसके समाधान के लिए JBVNL मेदिनीनगर के महाप्रबंधक को निर्देश दिया जा रहा है। उपभोक्ता बिजली बिल का भुगतान करते हैं, उन्हें 24 घंटे बिजली मिलनी चाहिए, उपभोक्ताओं की समस्याओं का समाधान होना चाहिए। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।